बंगाल में बेहिसाब बवाल है, दीदी राज में दादागिरी है, चुनावी हिंसा पर आर पार है, ओवैसी ने योगी पर क्या निशाना साधा है, यूपी के लिए कांग्रेस का प्लान आखिर क्या है, राजनीतिक घमासान से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी है टॉप 9 सियासी रण में आती है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। संवैधानिक संकट को देखते हुए यह फैसला किया गया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को सीएम तीरथ ने चिट्ठी लेकर उपचुनाव न होने का हवाला दिया। अनुच्छेद 151 के तहत 6 महीने में उपचुनाव संभव नहीं है। बंगाल विधानसभा सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारे लगाए और चुनाव बाद हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग की। जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में चुनाव के बाद हिंसा का कोई जिक्र नहीं था। यूपी में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके ओवैसी ने सीएम योगी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यूपी में योगी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इंशाल्लाह, ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि 2022 में यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। योगी को सीएम नहीं बनने देंगे वाले बयान पर यूपी के मंत्री मोहसिन राजा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यह बयान भारत के टुकड़े होंगे वाले बयान जैसा है। मोहसिन राजा ने कहा है कि ओवैसी के चेहरे पर सीएम योगी की धमक साफ नजर आ रही है। यूपी में 8 जुलाई से ओबीसी का अभियान शुरू होगा। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में यूपी AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि बहराइच को पार्टी ने पूर्वांचल का सेंटर बनाया है। 8 जुलाई को यहां ओबीसी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। 12 जुलाई को दिल्ली से सड़क मार्ग से पश्चिमी जिलों में ओबीसी जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप जारी है। छोटे दलों के साथ एसपी के गठबंधन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तंज कसा है और कहा है कि एसपी से अधिकतर बड़ी पार्टियों ने किनारा कर लिया है। अखिलेश के लिए छोटे दल के साथ जाना लाचारी है। उन्हें एसपी को दलित विरोधी भी बताया। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। इसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बूथ मैनेजमेंट से लेकर डोर टू डोर कैंपेन के बारे में जानकारी दी जाएगी। पंजाब में बिजली कटौती पर मचे बवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। सिद्धू ने कहा कि अगर सही दिशा में काम करें तो बिजली कटौती की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही सीएम को सरकारी ऑफिस का समय बदलने और एयर कंडीशनर चलाने को मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। पंजाब में लगातार बिजली कटौती को लेकर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सीएम अमरिंदर सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व की अकाली सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट तैयार किया था उसे आगे बढ़ाने की बजाय सरकार ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।